हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चमचा सिनेमा में। आज का टॉपिक है अप्रेंटिसशिप कब और कैसे करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ और कैसे जो है एंटर करें। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास कहीं पर भी जो होटल है, चाहे 5 स्टार है चाहे 4 स्टार है, आपको वहाँ जाके एचआर से बात करनी है कि क्या यहाँ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, या आपका कोई जानकार है जो होटल इंडस्ट्री में जो है काम करता है, आप उनके थ्रू भी आप अपनी अप्रेंटिसशिप लगवा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के कोई चार्जेस नहीं होते, कोई फॉर्म फिल करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये एकदम फ्री है। और प्लस इसमें आपको स्टाइफंड भी मिलता है। जितनी एक कौमी थर्ड की सैलरी होती है उतना आपको उसका जो हाफ है उसकी आपको जो है स्टाइफंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौमी थर्ड की 14,000 है तो आपको जो है 7,000 आपको जो है मिलेंगे। प्लस आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से, एक तरीके के आप जो है लर्निंग पीरियड पे उठते हो। जहाँ होटल में आप काम करते हो आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट जो है आपको बताया जाता है। उसके बाद कहीं होटल में जो है 1 साल का होता है और कहीं 2 साल का होता है। 1 साल के बाद जो है आपका एक टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू मींस जैसे एक क्वेश्चन होएगा, उसके 4 आंसर होंगे, उस पर आपको एक पे टिक लगाना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे KBC आप देखते हो कौन बनेगा करोड़पति, तो KBC के क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है और 4 आंसर होते हैं, 4 में से 1 आंसर बताना होता है, उसको MCQ के क्वेश्चन बोलते हैं। तो वो पेपर आपको देना होता है, उस पेपर में जब आप पास हो जाते हैं 50% मार्क्स भी आपके आ जाते हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल। और इस जो सर्टिफिकेट होता है इसके बिहाफ पे आप कहीं पर भी किसी भी होटल इंडस्ट्री में आप जॉब ले सकते हैं। प्लस आपका एक सर्टिफिकेट काउंट होता है एंड आपका जो है एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। यहाँ पर आप लर्निंग पीरियड पे होते हो, बट आप जो है जो IT होते हैं JT होते हैं ना, उनसे एक स्टेप ऊपर होते हो। IT के बाद JT आता है, JT के बाद अप्रेंटिसशिप। तो आप JT से जो है एक स्टेप ऊपर होते हो, बट कौमी थर्ड से आप नीचे लेवल पे होते हो। आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, आपको कुकिंग सिखाई जाती है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता A to Z आपको सिखाया जाता है। हम बात करते हैं किचन की शेफ में, तो शेफ में आपको जो है आपको बेसिक कटिंग चॉपिंग ये बताया जाएगा, चॉपिंग बोर्ड के बारे में बताया जाएगा। आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है उसमें ही आपको बताई जाएगी अप्रेंटिसशिप में। बट आपको एक सेक्शन चूज करना है जो आपको पसंद है। अब सेक्शन में आप सोच रहे कि वो सेक्शन क्या, सेक्शन है फूड प्रोडक्शन में। जैसे आपने क्वांटी ज्वाइन कर लिया, क्वांटी में भी आपने चाहे हॉट क्वांटी है गार्डे मंजर आपने चूज किया। हॉट क्वांटी में जो है आपको जैसे पिज्ज़ा हो गया है ना, पास्ता हो गया, जहाँ पे हॉट चीज़ सूप हो गए कॉन्टिनेंटल, तो ये सब जो है यहाँ पर क्वांटी में आपको सिखाया जाएगा। वहीं गार्डे मंजर में जो है आपको जो है सिखाए जाएंगे सैलेड, कोल्ड सैंडविच, जूस, तो ये सब आपको गार्डे मंजर में। एंड प्लस जैसे जो कटिंग होती है ना, वहाँ पे कटिंग की स्पीड जो है आपकी, वहाँ पर जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर आपको इंडियन में जाना है तो इंडियन में आपको जो है कटिंग के अलावा आपको चॉप मसाला, मखनी ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, ग्रीन ग्रेवी, हर टाइप्स की जितनी भी ग्रेवी होती है वो ग्रेवी, एंड प्लस आपको इंडियन रेसिपी हर स्टेट की इसमें सिखाई जाती है। उसमें बेसिक से आपको जब, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है इंडियन चूज कर लिया, तो आपको पहले अनियन चॉप, टमाटर चॉप ये सिखाएंगे, कोरिएंडर चॉप, उसके बाद चॉप मसाला, उसके बाद ग्रेवी, ये जो है आपको धीरे धीरे आपको सिखा के, और आप जो है
कौमी थर्ड के लेवल का जो है काम करते हैं। और जब आप एक सेक्शन में कंटिन्यू 1 ईयर्स तक जब आप काम करते हैं ना, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और वो सेक्शन जो है आपके होल्ड में आ जाता है। फिर आपको ना 6 मंथ बाद ही जो है ना ऐसा लगता है कि बस मैं तो सब कुछ संभाल लूँगा। तो फिर आप जो है वो डिपेंड करते हैं आपकी स्किल्स पे और आप पर कि आप कितना जो है कवर कर पाते हैं, कितना आप लर्न कर पाते हैं डेली, कितना आप सीखते हैं। कोई कोई 6 मंथ में जो है एक कौमी फर्स्ट का काम प्रॉपर करता है, मैनेजमेंट करना, उसकी प्रिपेयरिंग करना एंड उस सेक्शन को होल्ड पे रखना, मीन्स आपको क्लीनिंग करना सेक्शन को, सेक्शन में कोई खराबी है, कोई मिस्टेक है उसको ठीक करना। और एक ऑर्डर को आपने बिना अपने सीनियर से पूछे एक बार ऑर्डर खुद से लगा के एकदम एक्यूरेट तरीके से जो है आपको जो है आपने सर्व कर दिया गेस्ट को। धीरे धीरे पहले आप जो है इसी तरीके से जो है जब आपको सिखाया जाता है, जब आपका 1 साल का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है आपकी जॉब किसी भी होटल में आपकी लग सकती है, किसी भी होटल में आपकी जॉब लग सकती है। और यही अगर आप अच्छे से काम करते हैं, सब कुछ आपने होल्ड कर लिया अपना समझ के कि हाँ मैंने यहीं पर जॉब करनी, यहीं पर जो है मुझे ऑफ़र मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर टाइमिंग से पहुंचना है, पंचुअल रहना है आपको, और आपको जो है हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से सीखनी है और करनी है, और हर एक चीज़ अपने सीनियर शेफ से आपने पूछनी है। जो भी मिस्टेक है वो अपने शेफ से बोलिए, अगर शेफ आपको किसी बात पे डांट भी दे तो आपको उससे सीखना है, ये नहीं आप एकदम नर्वस हो जाएं और आप अपना एक स्टेप बैक कर ले। आपको बैक स्टेप नहीं करना, आप अच्छे से परफेक्ट तरीके से कौमी फर्स्ट या कौमी थर्ड की आप जो है होल्ड की करके सेक्शन को उनका एक तरीके का काम प्रॉपर करते हो, आप ट्रेनिंग की तरह नहीं एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी तरह काम करते हो, तो आपको जॉब उसी होटल में जो है आपको ऑफर मिल जाती है। और उस होटल में आपको जॉब मिल जाती है चाहे आपका एग्ज़ाम जो है बाद में हो, एग्ज़ाम से पहले ही आपको उसी होटल में जो है आपको जॉब मिल जाएगी। कहीं आपको भागना नहीं है, कहीं आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होटल में जाके आपने, अगर आपको कुछ नहीं पता ना, अगर आपका कोई जानने वाला भी नहीं है, तो आपने हर एक होटल में जाना है, एचआर का नंबर लेना और एचआर से बोलना है कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है तो प्लीज़ कॉल मी। तो हर एक होटल में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होती ही होती है, चाहे वो बेकरी है, चाहे आप कॉन्टिनेंटल में जाए, चाहे आप फ्रंट ऑफिस में जाए, चाहे आप F&B सर्विस, जो भी डिपार्टमेंट, ये नहीं कि किचन डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको पसंद है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप होटल में डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं विद एचआर। तो यही जो है आपको ध्यान में रखना है। और अप्रेंटिसशिप वो ही करें जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री नहीं करा, ये नहीं कि आपने डिप्लोमा कर लिया है उसके बाद आपने ट्रेनिंग भी कर लिया उसके बाद आप सोच रहे कि अप्रेंटिसशिप कर ले तो मुझे जॉब लग जाएगी। अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है, आपने जो है डिप्लोमा कर लिया, तो आप अपनी जॉब ढूंढो, ना कि अप्रेंटिसशिप करो। अप्रेंटिसशिप सिर्फ वो ही करे जिन्होंने जो है डिप्लोमा और डिग्री नहीं करी है, फाइनेंशियल दिक्कत है या फिर उनकी एज हो चुकी है और वो पढ़ना नहीं चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, वो सोचते कि मैं किसी भी तरह जो है होटल इंडस्ट्री में एंटर करूं, तो वो जो है उनके लिए अप्रेंटिसशिप है, तो वो अप्रेंटिसशिप करे। और अप्रेंटिसशिप में कोई भी जो है एज की लिमिट नहीं होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।